Vande Matram, all the students, today we will read, recite and understand the poem Mother Tongue composed by Padma Sachdev. The poetess spent most of her life in England and she wrote and composed most of her works in Dogri and in Hindi. This poem, Mother Tongue, is also written in Dogri. After some time, it was translated into English. This poem is about Mother Tongue. Mother Tongue means Matribhasa. The first language of a person is Mother Tongue. जो पहली भाषा होती है वो Mother Tongue कहलाती है. I approached, कवित्री यहाँ पे कहती है कि मैं approached का अर्थ है यहाँ पे demanded कि मैंने मांग की. किस चीज की मांग की? A stem. Stem कहते हैं तने को, पेड़ की जो शाखा तना होता है पेड़ का. तो यहाँ पे ये कवित्री एक डाली की या एक तने की डिमांड करती है. Swinging, जो लटक रही होती है. कहाँ लटक रही होती है? On a reed. रीड वैसे हिंदी में इसका अर्थ होता है सरकंडा. अ होलो पार्ट ऑफ अ स्टेम, जो खोखला हिस्सा होता है उसको रीड बोला जाता है. तो उस रीड से एक स्टेम, एक शाखा लटक रही थी, उसकी डिमांड कौन करती है? कवित्री पद्मा सचदेव. एंड आस्क्ड हिम, जब उसने उसकी डिमांड की, उससे पूछा. किससे पूछा? रीड से. क्या पूछा? टू गिव मी, कि मुझे देने का काम करें. अ क्विल, क्या देने का काम करें? क्विल. क्विल का यहां अर्थ है पेन्स है. इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में जो पेन्स यूज में लिए जाते थे, कौन से पेन? मोर की पंख वाले जो पेन होते थे, तने का जो यूज में लेकर उसको बनाया जाता था, तो उस पेन की यहां पे वो डिमांड करती है. इरिटेटेड, इस बात को सुनकर ये जो रीड था ये क्या हो गया? इरिटेट हो गया. इरिटेट कहते हैं चिढ़ने को. ही सेड, उसने कहा चिढ़ते हुए, आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, अरे मैंने पिछले दिन ही तुम्हारे को एक क्या दिया था? क्विल. एक पेन तो तुम्हारे को पिछले दिन ही दिया था मैंने, और आज फिर आ गई तुम ये लेने के लिए. अ न्यू वन, मैंने कौन सा दिया था? एक नया क्विल दिया था, नया पेन दिया था तुम्हारे को पिछले दिन. व्हाट हैव यू डन विद इट, रीड अब कवित्री से पूछता है कि तुमने उस पेन का क्या किया, तुम तो रोज लेने आ जाती हो. आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, क्या तुम कोई लेखाकार वगैरह तो नहीं हो जो तुम्हारे को रोज नए नए पेन चाहिए होते हैं? विथ सम सा, सा का मतलब कि राजा वगैरह के या बिजनेसमैन के, तुम कोई अकाउंटेंट का काम तो नहीं करती हो जिससे तुम्हारे को नए नए पेन की आवश्यकता होती है? राइटिंग अकाउंट बुक्स, अकाउंट की जो बुक्स होती है उनको लिखने के लिए तुम्हारे को नए पेन चाहिए. वो समाप्त हो जाता है पेन उसके लिए, तो तुम्हारे को नए पेन चाहिए इसलिए तुम रोज आ जाती हो. वेर यू नीड अ न्यू पेन, कहां आवश्यकता है तुम्हारे को नए पेन की? एवरी अदर डे ही आस्क्ड, जब भी कवित्री अगले दिन, पद्मा सचदेव अगले दिन जाती थी नेक्स्ट डे, तो रीड उससे, ये जो सरकंडा होता है ये उससे यही बात पूछा करता था कि तुम्हारे को पेन की आवश्यकता क्यों है, इतना पेन का यूज तुम कहां करती हो.